नमस्कार दोस्तों, एफपीओ के लिए मंडी लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन कैसे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं मंडी लाइसेंस की आवश्यकता कब होती है। यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसानों की उपज भेजना चाहते हैं या सप्लाई करना चाहते हैं, उस स्थिति में आपको मंडी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मंडी लाइसेंस लेने के बाद ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसानों की उपज या ग्रेन फसल को सप्लाई कर सकते हैं या बाहर दूसरे बाजार में ले जाके बेच सकते हैं दूसरे स्टेट में। तो अब हम देखते हैं कि मंडी लाइसेंस के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है एक एफपीओ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है हमें एफपीओ का जो बैंक अकाउंट है उसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी, बैंक अकाउंट लगेगा। इसके अलावा उसके जो डायरेक्टर हैं उनका एड्रेस प्रूफ लगेगा, उनके जो डायरेक्टर हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, उसमें आप वोटर आईडी ले यूज़ कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, और रेसिडेंस प्रूफ के लिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वहाँ से। इसके बाद आपका गोडाउन कहाँ है, एफपीओ अपना जो ग्रेन है जो परचेस खरीदी करेगा वो कहाँ रखेगा, गोडाउन का मैप लगेगा यहाँ पे हमें, गोदाम का नक्शा, ठीक है। उसके बाद बैंक गारंटी या एफडी, हमें देखिए मध्य प्रदेश में यदि आप मंडी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो एफपीओ को 1 लाख रुपये की एफडी बनाना होगी, जो मंडी सचिव के मंडी के नाम से रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की डीडी आपको बनवाना होगी मध्य प्रदेश के लिए। अन्य स्टेट में हर स्टेट पर अलग हैं, तो इसके लिए आप एक बार अपने जो मंडी है वहाँ के डिपार्टमेंट में जाके एक बार पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहाँ से ले लें। वहाँ से आप एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना होगा, जो फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो वो फॉर्म की कॉपी और ये जो डिक्लेरेशन है इनकी कॉपी आपको मंडी से जाके वहाँ के ऑफिस से प्राप्त करना होगी। इसके अलावा हमें एक पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, दो डायरेक्टरों का आपको पुलिस सत्यापन करवाना होगा, उनका चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा वहाँ से, ठीक है। यदि आपका जो गोडाउन है वो किराए पे है, रेंट पे है, तो आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट की कॉपी की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी एक एफपीओ के लिए मंडी लाइसेंस लेने के लिए। अब हम उसकी ऑनलाइन प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, हमें इसके लिए जो मंडी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर तो यह जो फैसिलिटी है यह लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हम लोक सेवा गारंटी की वेबसाइट पर जाएंगे। आप अपने जो भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की मंडी की वेबसाइट पे जाएं आप, ठीक है। आप गूगल पे भी डाल सकते हैं ऑनलाइन मंडी लाइसेंस एप्लीकेशन और जो भी अपना स्टेट है उसका नाम, तो उससे आपको वो मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, हम यहाँ मंडी बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएंगे, एमपी ऑनलाइन के थ्रू ये होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें ये एप्लीकेशन पर जाना होगा। एप्लीकेशन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें ये देखिए व्यापारी पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे हमें पंजीयन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप लैंग्वेज अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी, हिंदी की जगह इंग्लिश, जिसमें आपको सुटेबल लगे वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, हमारे सामने अब ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें किसान उत्पादक कंपनी, यहाँ पे इस पर टिक करना है, किसान उत्पादन कंपनी है तो व्यापारी लाइसेंस। इसके बाद ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे जिन भी डायरेक्टर के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनके फादर का नाम आएगा, यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे हम उनका जो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यदि है ना, उसके बाद उनकी कैटेगरी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगी, जनरल है, ओबीसी है, जो भी है, जो भी उनकी कैटेगरी रहेगी हम वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें उनका यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, एड्रेस में मकान क्रमांक, मोहल्ला यहाँ फिल होगा, जिला यहाँ पे, फिर तहसील यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे क्षेत्र सिलेक्ट करना है, यहाँ उनका मोबाइल नंबर, इसके अलावा यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर डालें जिस पे ओटीपी आएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ फिल करके इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी डाल दें। इसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। फिर हमें यहाँ पे आवेदक की मंडी समिति, यहाँ पे देखिए मंडी समिति का ये आवेदक, मंडी समिति का नाम, जो भी आपकी समिति रहेगी जिले के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ऊपर से डिटेल सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी है ना मंडी समिति, आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। कृषि उपज मंडी समिति का जिला आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करेंगे तो मंडी समिति आ जाएगी जिसमें आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु अन्य जानकारी, यहाँ पे हमें अपने कंपनी का नाम फिल करना है जिस हमारी FPO का, यहाँ पे आप यस कर देंगे, है ना। क्या पूछ रहा है, क्या आप आवेदन फॉर्म हिंदू संयुक्त परिवार व्यक्तिगत कंपनी, है ना, तो हमारी तो कंपनी है तो हम यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए नीचे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा संगठन के प्रकार में, आपको यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे जितने भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, FPO में डायरेक्टर हैं, उनकी डिटेल यहाँ फिल करना है, जितने हैं 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं सभी की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ उनका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और यहाँ पे उनके जो भी उनके जुडिक्शन में पुलिस थाना आता है वहाँ का नाम, और यहाँ नया जोड़ जोड़ के आपको जो है पूरे 5ों लोगों के नाम यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐसे आप ये जोड़ जोड़ के 5ों लोगों के नाम ऐड, अभी हमने फिल नहीं किया है इसलिए ऐड नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे अपने कंपनी का जब भी FPO का जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फिल हुआ है, यहाँ पे आपको व्यापार की प्रारंभ डेट, वो डेट यहाँ डालनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे अभी सॉरी हम थोड़ा नीचे आ गए थे, ये देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टर की डिटेल फिल कर दी। हमें फिर यहाँ पे GST नंबर फिल करना है, है ना। GST के बाद यहाँ पे हमें पैन नंबर फिल करना है कंपनी का, यहाँ पे बैंक का नाम जिसमें कंपनी का अकाउंट है, यहाँ कंपनी के अकाउंट नंबर यहाँ पे करना है, यदि एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ नया जोड़ के आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, अचल संपत्ति में, भवन या दुकान कारखाना में या अन्य में जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसकी डिटेल हमें यहाँ देना है। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे कंपनी के कारोबार का मुख्य स्थान, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है आप यहाँ पे फिल करें, है ना। कंपनी के आप ये जो खरीदी करेंगे आप मंडी से, उसका पेमेंट कहाँ से होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ देना है, एड्रेस देना है जहाँ से आप पेमेंट होगा, शाखाओं के नाम यदि आपकी और कोई ब्रांचेस है तो आपको वहाँ पे यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप नया जोड़ के और भी ब्रांचेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें अपने जो गोदाम का विवरण है वो देना है, कृषि उपज जो हम खरीदेंगे या किसानों से लेंगे वो कहाँ पर स्टोर या भंडारण की जाएगी, तो यहाँ गोदाम का विवरण, पता, कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी में हम खरीदना चाहते हैं मंडी से, ठीक है। उसके बाद स्वामी का नाम गोदाम के, जहाँ भी गोदाम है वहाँ का जो भी ओनर है उसका नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें ग्रेन फसलों उपज के नाम लिखना है, जिन जिन उपज का हम व्यापार करना चाहते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चना, सोयाबीन, मूंग, तुअर, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आवेदक की ओर से, मतलब ये कंपनी की ओर से जो जो मंडी में नीलामी में तोल कार्य हेतु सहायता करेंगे उनकी डिटेल यहाँ देना है, उनका नाम, उम्र, पता, संबंध क्या है, डायरेक्टर है या जो भी पोस्ट पे वो कंपनी में हो उनका रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ पे हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक की जानकारी देना है, आपको यहाँ पे अपने बैंक का IFSC कोड डाल देंगे तो यहाँ खोजेंगे तो ब्रांच का नाम भी आ जाएगा आपका और IFSC कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपका आपको कंपनी का FPO का नाम यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये टिक कर लेंगे, है ना, घोषणा या सत्यापन है। इसके बाद देखिए ये जो डॉक्यूमेंट अभी हमने देखे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होंगे। यहाँ पे देखिए बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, स्वघोषणा पत्र, दर्शित गोदाम का नक्शा, बैंक गारंटी, पुलिस सत्यापन, गोदाम का किरायानामा, इसके अलावा कंपनी का GST, ठीक है। ये सब डिटेल ऊपर हम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से हमें अपलोड इमेज अपलोड करना है, यहाँ से हमें जो एप्लीकेंट डायरेक्टर है उनकी इमेज अपलोड करना है। इमेज के साथ साथ दोस्तों हमें उनके कागज़ पे साइन करा के उसको भी स्कैन करना है और वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7+4, यहाँ पे हम आंसर में 11 टाइप डालेंगे और सेव करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है। वहाँ पे हम जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और सबमिट सेव जमा सबमिट करेंगे उसके बाद हमें पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें 1200 रुपये का मंडी शुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 1200 रुपये पेड करना है। वो हम किसी भी बैंक के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू भी माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपकी एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन जो है आप उसे सेव कर लें, उसकी कॉपी निकालें और जो ये पूरे डॉक्यूमेंट है या हार्ड कॉपी के साथ आपको पूरी फाइल बना के मंडी के जो कार्यालय है वहाँ पर आपको इसे जमा करना होगी। ये जमा करने के बाद वहाँ से आपका लाइसेंस जो है इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी शुरू से अंत तक पूरी प्रोसेस मंडी लाइसेंस को लेने की। दी गई जानकारी महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दें आपको, इसके इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, बट आपको जमा डिपार्टमेंट में करना है अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।